करा है। ऑब्वियसली ये एक रीजन होता है नेगेटिव फॉर्म में क्लोजिंग करना, क्योंकि एक आप देख सकते हैं पिछले 6 दिनों से स्टॉक एक 18% के पॉजिटिव रैली में ट्रेड करा है, 18% की पॉजिटिव रैली भी है लोअर लेवल से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो एक स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड एज वेल एज एक महीने के ड्यूरेशन में एक आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा मोमेंटम देने वाले स्टॉक आज हम सेशन देने वाले हैं। दिस वीडियो बिलोंग्स टू द मॉड्यूल वन। सो मॉड्यूल वन में बेसिकली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक महीने के ही ड्यूरेशन में एक अच्छे मोमेंटम देने वाले स्टॉक हम सजेशन देते हैं। टुडेज वीडियो रिलेट्स टू दो स्टॉक्स जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन ये दो स्टॉक्स देते हैं। ऑब्वियसली ये दो स्टॉक्स है आरएसई लिमिटेड और जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए इन दो स्टॉक्स के बारे में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम जान लेते हैं और एक स्पेसिफिक टारगेट और एक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान लेते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है आरएसई लिमिटेड, जो एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है इंफ्रास्ट्रक्चर में। बोथ द स्टॉक्स व्हाट एवर वी आर सजेस्टिंग टुडे आर रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देती है ये दो स्टॉक्स। सो द नंबर 2 स्टॉक इज आरएसई लिमिटेड। अगर एक पास्ट हिस्ट्री देखी जाए स्टॉक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल जो लिया है स्टॉक ने एट द वैल्यू 420, तो 420 का एक जो लोअर लेवल है, इसी एक लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो जरूर एक शैडो जरूर इस लेवल से यहाँ पर बनाई है, बट इसी के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग है। नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो एक 3-4 से 5 बार यहाँ पर आपको एक लोअर लेवल से एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो इतनी अच्छी रिवर्सल इस लेवल के आसपास है इस स्टॉक की। तो डेफिनेटली अगले एक महीने के ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक एक अच्छा कंट्रीब्यूशन एक पॉजिटिव लेवल में दे सकता है। अगर एक सेकंड कंफर्मेशन देखा जाए एक पॉजिटिव टारगेट के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लोअर लेवल से अभी एक जो रिवर्सल स्टॉक ने दिया है, डेफिनेटली इसी एक रिवर्सल से आप देख सकते हो कि एक जो टोटल डाउन ट्रेंड यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि यहीं से यहाँ तक एक जो टोटल एक ट्रेंड या फिर एक टोटल मोमेंटम इस स्टॉक ने यहाँ तक इस लेवल तक दिया है, डेफिनेटली आप देख सकते हो इसके 50% रिकवरी इस लेवल तक जरूर एक स्टॉक ने दी है। डेफिनेटली आज के दिन आप देख सकते हो एक नेगेटिव फॉर्म में जरूर स्टॉक के ट्रेड कराए, तो एक आप देख सकते हो ड्यू टू एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया है पिछले 4 से 5 दिनों में, एक 6-7 दिनों में डेफिनेटली आप देख सकते हो 12% की यहाँ पर एक टोटल रैली स्टॉक ने दी है, और इसी वजह से आप देख सकते हो कि स्टॉक एक टेम्पररी सेलिंग प्रेशर में ट्रेड कर रहा है या फिर एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, एक मोमेंटम जरूर रिगेन करने की कोशिश में है। ओके, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो दिस स्टॉक हैज अ गुड पोटेंशियल टू गो टू एन अपर ट्रेंड। अपर ट्रेंड में जाने के लिए स्टॉक एक बहुत ही अच्छे पोटेंशियल में एक आपको अच्छा टारगेट दे सकता है। राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 457 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये स्टॉक एक अच्छा टारगेट देख सकता है एट द वैल्यू ऑफ 520, 520 का आपको अच्छा एक टारगेट मिल सकता है। नाउ व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गिव अ गुड टारगेट द वैल्यू ऑफ 520, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 420 का प्रीवियसली भी यहाँ पे एक स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्वाइट एक अच्छा रिवर्सल दे दिया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 420 के आसपास आते ही एक रिवर्सल दिया है, जरूर एक सपोर्ट लेवल 420 का जरूर एक यहाँ पर स्टॉक एक बनाने की कोशिश में या फिर इसी के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश में है। ओके, तो ये एक रिवर्सल देते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो लोअर लेवल से रिवर्सल दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो इट हैज गिवन अ गुड टारगेट। ओके, तो एक अच्छा एक टारगेट दिया है स्टॉक ने एट द वैल्यू 524, तो ऑब्वियसली एक राउंड ऑफ टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक लोअर लेवल से बहुत ही बार एक रिवर्सल ले लिया है और यहाँ पे एक रीसेंट जो एक टारगेट है डेफिनेटली स्टॉक इज ट्रेडिंग टू इट्स नियरेस्ट रेजिस्टेंस, 490 से 492 के आसपास एक रेजिस्टेंस है स्टॉक का, तो ऑब्वियसली एक 490 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड करे इट विल बी इजी टारगेट टू गेट अचीव्ड। ओके, तो 520 का आप यहाँ पर आप जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्टॉक एक इसी लेवल के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा। ओके, और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही आपको एक 13 से 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है, तो इतनी अच्छी पॉजिटिव रैली ये स्टॉक दे सकता है अगले एक महीने के ड्यूरेशन में, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो में बढ़ावा हो सकता है। सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो अभी हमने जो एक रिसेंटली अभी जो हमेशा से हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि 420 का एक सपोर्ट लेवल आप जरूर कंसिडर कर सकते हो, और इसका एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने एक्सप्लेन किया है कि इसी लेवल से रिवर्सल स्टॉक दे रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक 420 का लेवल आप जरूर सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो ये एक वीक ओवर भी हो गया है हमारे एक स्टॉक नंबर 2 का। बात करेंगे अभी एक स्टॉक नंबर 1 की जो है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये भी स्टॉक एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है एक
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर आप देखेंगे आज के एक जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाई है 2% का एक नेगेटिव फॉर्म में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली ये एक रीजन होता है नेगेटिव फॉर्म में क्लोजिंग करना है, क्योंकि एक आप देख सकते हैं पिछले 6 दिनों से स्टॉक एक 18% के एक पॉजिटिव रैली में ट्रेड कर रहा है, 18% की पॉजिटिव रैली भी है लोअर लेवल से। एक 50% पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो जो एक अचीवेबल टारगेट हो सकता है, तो भी आपको एक 9 से 10% का एक रिटर्न आपको मिल सकता है। इतनी अच्छी रैली अभी एक रिसेंटली स्टॉक ने दी है और ये रिसेंट ट्रेंड है। ओके, तो एक आज का दिन छोड़ा जाए तो एक पिछले 6 से 7 दिनों से, मतलब पिछले हफ्ते से ही आप देख सकते हो एक पॉजिटिव रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ अगर हम देखेंगे तो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर एक जो टोटल डाउन ट्रेंड स्टॉक ने दिया है, ओके, एक एट द वैल्यू ऑफ 94 to 95 रुपीज के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया और इसी लेवल के आसपास ही एक कल के दिन मतलब ऑन फ्राइडे सिर्फ आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था 92 to 93 के आसपास। जरूरी एक टारगेट अचीवेबल या फिर एक ब्रेकआउट हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एक हायर वैल्यू मिल सकता है। तो एक लोअर लेवल से जरूर आप देख सकते हो डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया और यही एक डबल बॉटम क्रिएट करते ही एक टोटल डाउन ट्रेंड से रिवर्सल आपको मिला है। एक ओवरऑल अगर एक इस डाउन ट्रेंड के देखेंगे तो 80% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है। फिलहाल अभी स्टॉक एक नेगेटिव फॉर्म में ट्रेड कर रहा है, फिर भी आपको 80 to 90% रिकवरी अभी स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छे पोटेंशियल में एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ गुड टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 105 रुपीज, 105 का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक खोल करते ही आपको 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इतनी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है, इतना अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो ये एक क्विक ओवरव्यू हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक रिवर्सल जो लिया है स्टॉक ने एट द वैल्यू ऑफ 78 to 80 रुपीज, 80 के एक राउंड ऑफ लेवल से आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो रिवर्सल या फिर एक सपोर्ट जोन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसी लेवल से अभी आप रिसेंटली देख सकते हो कि इसी लेवल से रिवर्सल देते ही आपको एक अच्छा टारगेट मिला है। तो ऑब्वियसली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 80 एज अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द बॉम स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 105। तो ये एक क्विक ओवरव्यू हो गया है हमारे इन्हीं दो स्टॉक्स का जो एक अगले एक महीने के लिए स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। सो गाइज ये रहे हमारे आज के दो स्टॉक्स जो एक अच्छे मोमेंटम दे सकते हैं अगले एक महीने के ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।